हम आए हैं भगवानी देवी जी के यहाँ पे दोबारा स्टार्ट है आपकी ट्रेनिंग। भैया कुछ पूछ रहे हैं तो मेरे को ये बताइए कि अभी अगली तैयारी जो आप कर रहे हैं वो कब है, कंपटीशन और किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? भाई मैं तैयार हूँ खेलने के लिए। कॉन्फिडेंस दादी। दादी मेरे को एक चीज पूछनी है, जैसे और भी जो नौजवान लोग हैं जो आज ये वीडियो देख रहे हैं आपका, सबसे जरूरी चीज खान पान का ख्याल कैसे रखते हो आप, क्या खाते हो सुबह से शाम? भैया मैं तो देसी खाना खा रहा हूँ, सुबह एक गिलास शीत लस्सी। लस्सी लस्सी दूध नहीं, दूध शीत, दूध शीत होता ना तो लस्सी। हाँ। सुबह लस्सी, शाम को दूध, एक कटोरी सब्जी। सब्जी में दादी क्या सब्जी में? जैसे चाय वाय नीम के पत्ते की हो, एक कटोरी सब्जी। नीम के पत्ते के भी खा लेगी? खाती हूँ, और तीन रोटी खाती हूँ। दादी रोटी तो ठीक है, लेकिन नीम के पत्ते की सब्जी तो पहली बार सुन रहा हूँ। अरे तो सब्जी क्या है की वो मैं एक कटोरी सब्जी खाया करूँ। मेन्यू क्या है लग रही है कि एक कटोरी सब्जी जरूर खाया करूँ, चाहे नीम के पत्ता की हो। आपको तो कुछ ही नहीं होता। घी मक्खन भी आप लेते हो? घी मक्खन भाई घी नहीं खाती मैं। 2007 में दादी की एक बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी भी हो चुकी है, एंड उसके बाद बहुत लोग गिव अप कर देते हैं कि बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया। दादी एक्चुअली ना मैं भी थोड़ा थोड़ा कहता हूँ कि बुढ़ापा आ गया, दौड़ा नहीं जाता, लेकिन आपको देख के ऐसी शर्म आ रही ना कि बोला नहीं जा रहा कि दादी देख लो जवान जवान बालक की बात कर रहे हैं। एक लगा दे दादी। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। दादी आपको तो कब से शौक लगा, बचपन में स्कूल में जब आप थे तब से कर रहे हो एथलेटिक्स की, कब आपको शौक लगा? ये कब से शुरू है? हाँ 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 भाई, ककरो लेके स्कूल में गई थी। हाँ ये मेरा पोता टीचर है। हाँ तो ये इनके पोते हैं, ये दूसरे पोते हैं। टीचर था वहाँ। अच्छा वहाँ ग्राउंड में वह बोला पड़ा था। हाँ हाँ हाँ। मैं बोली भैया ये क्या पड़ा है? दादी ये गोला है, फेंका का काम खेला करा। मैं कहता था उठाइए उठाइए, मेरे हाथ में दे दिया। बोला दादी फेंकी, अगर छोटा छोटा घास फूस खड़ा था। मैंने भाई जो बगा दिया, मैंने चार बार बगाया था। शॉर्टपट की बात करी दादी? हाँ। तब दादी की कितनी थी? 94 जनवरी का इंसिडेंट है ये। तो शॉर्टपट बाद में स्टार्ट किया, रनिंग करती थी पहले? पहले हमने शॉर्टपुट का ही बनाया था कि हाँ शॉर्टपुट ही फेंक ले, क्योंकि बाईपास सर्जरी हो रखी थी ना, तो 100 मीटर में थोड़ा सा हमें रिस्क लग रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे ग्राउंड में गई तो ये मतलब मैंने जब फिजिकल स्ट्रक्चर देखा तो उसके हिसाब से फिर 100 मीटर में इन्होंने तो नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। नहीं तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो भी किया फील्ड पे वो लेट 90s में स्टार्ट किया। यस। अगर जवानी में करता थी तो आप तो ओलंपिक्स में मेडल ला सकते थे। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूँ। जेम ऑफ इंडिया है पहले बेटा, ये नहीं थे। पहले क्या खेलते थे बचपन में? बचपन में आप तो समझ जाएगा दादी, मैं जाट हूँ, समझा दूंगी। कबड्डी कबड्डी हमारी एक घेर सा पड़ा था, उसमें बड़े बड़े दरखत खड़े थे। नीम एक डंका होता, कान डंका खेला करते। कान डंका खेल तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, ये तो मेरे को नहीं पता। अब जैसे तो नीम पसट गया, अब तो वो नीचे बैठे है उसका मैं समझाता हूँ कि जैसे मान लो तीन चार लोग हैं, इनको मार के नीम के पेड़ पे चढ़ जाते थे। लोकल गेम्स थे दादी, तभी से आप नीम की सब्जी खा रहे थे। मतलब यकीन नहीं होता, मतलब सही में दादी, मतलब और वाई लीली बॉडी खोल जा करते, समझा? गजब बेइज्जती है। नहीं तो मैं भी नहीं समझा दादी, सारी चीज समझाऊंगी आज। तेरे जैसा जो हो जाएगा, हम फल्ला ही मार के तेरे बैठ जाएंगे यहाँ। ओ आप ऐसे जैसे ऐसे लेट जाओगे, आपके ऊपर बैठेंगे कमर पे। कमर पे जब तक गिरोगे नहीं ना, तब तक ऊपर बैठे रहोगे। दो तीन इकट्ठे खड़े हो जाएंगे और 6-7 बंदे उनके ऊपर चढ़ जाएंगे। आज किरण का पैर पहले टिक गया, वो टीम हार जाएगी। मतलब पैर नीचे नहीं रखना चाहिए उनका। अरे वो टेक्सास में वही होता, बोल के ऊपर बैठ के बोल गिराता है। अंग्रेजी चाली है। नहीं दादी आपने तो अंग्रेजी पीछे छोड़ दिए। लेकिन लगते नहीं हो आप 95 इयर्स के हो। ऐसे नहीं लगते जो तुम आज तक करवा रहे हो। दादी की फोर्थ जनरेशन तक इस घर में है। ये दादी के पोते के बेटे हैं। लमसम मतलब एक जनरेशन नीचे मेरे से, बट हमारी जनरेशन उनके नीचे। हम लोग रील बनाने में लगे शाम को, दादी वॉक करती है। इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे हो, फोन पे जो आता है वीडियो देख लो, ऐसे ऐसे कर लो, कच्चा बादाम। फिनलैंड में गई ना, तो फिनलैंड में पहले मेडल था वो शॉर्टपुट।
वाला, उसमें वो थर्ड आई। तो जब ये मेडल मिला तो ये वाला मेडल वैसे रंग का था, पीला नहीं है। तो इसको देख के कह रही, क्योंकि उससे पहले तीन तो ये गोल्ड मिले थे, तीन ही स्टेट के गोल्ड थे, तो पीला ही पीला दिखा था। बोलिए रंग तो इन्होंने दूसरा दे दिया मेरे, वो दूसरा गोल है, तीसरे नंबर पर आए हो आप, शाम ने दौड़ियो पहले पाओगे जवाब। फिर जब शाम को जीतता ये वाला, तो फिर होटल में जाके कहती है बोला हाँ ये वाला तो था। एयरपोर्ट पे आने के बाद वो स्टाफ बैठा हुआ था, क्रू जो एयर इंडिया वाला था साथ में ही बैठा, वो ऐसे इंस्टा पे देख रहे थे ऐसे, बोला देख ये हमारी कंट्री की है। फिर वो दूसरी सामने से आई, वो बोली बोला ये बैठी तेरे साथ में यही तो है। फिर वे सारे फोटो खिंचवाने लगे, फिर वो पूरी फ्लाइट बैठी हुई थी ना, तो सारे खिंचवाने लगे फोटो आके। तो फिर मेरे को कहती है बोला तू एक बात बता, गम मदद ने बता दी, इन तक ही ने बता दी। हम लोग आ चुके हैं नजफगढ़ स्टेडियम, जहाँ पे दादी करती है अपनी प्रैक्टिस शाम की, और आज दादी के साथ करेंगे रितु प्रैक्टिस। और ट्रैक बना प्रॉपर, वो हो रही है वहाँ पे हर्डल्स की प्रैक्टिस, वहाँ पे बास्केटबॉल चलता है, यहाँ पे अभी इन लोग की रेस शुरू होने वाली, ऑल द बेस्ट। और यहाँ पे चल रही है हमारी कबड्डी, देखो किसी को छू के जाएंगे, अगर छू के निकल गए तो आउट हो जाएगा, वो देखो समझे। तो यहाँ पे हो रही है रेसलिंग, यहाँ पे सारे बच्चे जो है दंगल फिल्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सही पटक रहे हैं तो एक दूसरे को। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में अंडर 17 में मेडलिस्ट है, एशिया की मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल चैंपियन है। के कोच वीरेंद्र दहिया जी, ये पूरी एकेडमी में बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है, और हो सकता है फ्यूचर का कोई मेडलिस्ट कॉमनवेल्थ ओलंपिक्स यहीं से निकले। कौन जानता है? ये सारी गर्ल्स टीम है हमारी, ये लड़की है अंडर 17 में वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी हंगरी। अरे वाह, रेड वाली ब्लैक वाली? हाँ, ये क्या नाम है बेटा आपका? नितिका। कब से कर रहे हो आप? इसके फादर भी इंटरनेशनल पहलवान है। अच्छा, सीआरपी में। तो पहले से डिसाइडेड था कि कुश्ती करनी है, या फिर फादर के इंटरेस्ट को देख के आपको इंटरेस्ट आया? मुझे बात है, मुझे की बात है 92.6। देखो रशि दीदी को क्या बात है, बहुत अच्छा। कितने घंटा प्रैक्टिस करते हो दिन में? दोनों टाइम। तो कभी ऐसा नहीं तो जोड़ों में दर्द हो रहा है, ठंड आ गई सर, दर्द उड़ नहीं होता? बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख। अभी इन लड़कियों से पूछोगे ना इसलिए आते हो कि ओलंपिक में मेडल लाना? नहीं, छोटे छोटे बच्चे इस उम्र में स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा देख के। सर आपको कुछ दिखा कि जैसे कि आजकल जैसे स्पोर्ट्स थोड़ा प्रमोट हो रहा है, मूवीज भी आई, दंगल भी आई, ये चेंज जो छोटे बच्चे आ रहे हैं उसके बाद हुआ कि पहले से छोटे बच्चे आते थे आपके पास? पहले क्या था, जब रेसलिंग करते थे ना पहलवान या खिलाड़ी इंडिया, क्या सोचते थे एक बार ओलंपियन हो जाए, मेडल का उम्मीद नहीं। जब से सुशील ने मेडल लिया ना, जब तक दो मेडल, हां दो मेडल ब्रोंज आए थे इंडिया की सोच। बॉयज की टीम छोटी कैसे, गर्ल्स की बड़ी टीम है? अच्छा। तो मेरी लेडीज मतलब लड़के से रजिस्टर करा रहे हैं, वो भी मेरे को हरा देंगे। मेरे को एक थोड़ा सिखाओ, एक स्टेप सिखाओ, एक स्टेप सिखाओ, डांस कर रहा है। साइड इफेक्ट लगा के देगा भाई साहब कोई? नहीं नहीं, मेरे को मत लगा, मैं लगाऊंगा। गौरव गौरव को टेंशन हो गई, ये अपने टेप के हुई थोड़ा लगाइयो। नहीं नहीं, अंदर आ रखो, वो अंदर से ये बाहर, ये वाला, ये नहीं, दोनों घुटने पर कर दिया आपने, खुद ही आ गया वो। जो बंदा कर रहा है एक्चुअल मैच में वो तो रेजिस्ट करता ही होगा, और आपको पूरा जोर लगा रहा है, यही स्पीड का गेम है, स्पीड का एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के साथ लगती है। हम करते थे वेट लिफ्टिंग, तो लोग कहता पावर, वो भी स्पीड का गेम है। है वेट लिफ्टिंग भारत तोलन, यहाँ पे वेट लिफ्टिंग होती है, यहाँ पे बॉक्सिंग होती है, अभी आज नहीं हो रही, आज ऊपर सिर्फ वो चल रहा है और नीचे बंद है। सो वी आर बैक होम, चलो चलो रशि, दादी का बर्थडे आने वाला, तो हम प्री बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, चलो दादी। राम राम, राम राम सबको, बाय बाय बाय। फाइनली हम घर पहुंच गए। ये रशि की तुमने पहनी है टॉप? अरे रशि तेरा तो धोखा हो गया भैया, मम्मी ने आके कपड़े पहनना शुरू कर दिए, पहले तो सिर्फ पापा के पहनती थी। बी के अभी उतरवा लो, जीवन में खुश रहना है तो, नहीं तो समझ लो गई हमेशा के लिए। पापा के साथ बातें करने में आते हैं, मेरे साथ मेरे को दोनों के साथ आते हैं। रशि ऐसे नहीं, पापा इनको गिफ्ट देते हैं, आप घुमाते हो, कोई तो होगा जिसके साथ ज्यादा मजे आते हैं। मूड खराब कर दिया। घर पहुंच चुके हैं, वो रही है पेट पूजा, मेरे लिए बन रहा ऑमलेट चाय ब्रेड। सर्दियों की एक थिंग आई लाइक, गलती से सामान आपका बनाया, आप फ्रिज के बाहर छूट गया, खराब ही नहीं होता, गुड, बहुत ग्रेट हो जी आप, बहुत ग्रेट हो सर जी आप, बहुत ग्रेट। आज के ब्लॉग यहाँ करते हैं समाप्ति, ऋतु आ गई यहाँ पे कुछ काम लेके, फिर से वो काम निपटाते हैं। आप लोगों का काम निपट गया होगा, डिनर करो सो जाओ, टाटा बाय बाय। और अगर ये ब्लॉग सुबह आ रहा है तो नाश्ता करो और फिर सो जाओ, बाय बाय।